हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन न्यू वीडियो। अभी जो ये वीडियो है वो फिजियोथेरेपिस्ट के लिए है। जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं उनके लिए वीडियो है, इम्पोर्टेंट वीडियो ये है। और सबसे गुड न्यूज़ ये है फिजियोथेरेपिस्ट के लिए कि उनका क्रेश कोर्स अवेलेबल है। किसी फिजियोथेरेपिस्ट को क्रेश कोर्स चाहिए DHA एग्ज़ाम के अंडर में तो वो अवेलेबल है। एंड ऑल ओवर गल्फ कंट्रीज का अगर उनको क्रश कोर्स चाहिए फॉर एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, जो लाइसेंस लेने के लिए अदर कंट्रीज़ का, गल्फ कंट्रीज़ का, जैसे UAE है, बहरीन है, सऊदी है, कुवैत है, ओमान है, अगर इन कंट्रियों का उनको अगर लाइसेंस चाहिए वहाँ काम करने के लिए, तो वहाँ एक एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। हर एक कंट्री का अलग अलग एग्ज़ाम होता है। तो अगर UAE में जाना चाहता है अगर कोई फिजियोथेरेपिस्ट, तो वहाँ का लाइसेंस एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो लाइसेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए जो क्रश कोर्स होता है वो अवेलेबल है। अगर किसी फिजियोथेरेपिस्ट को क्रश कोर्स चाहिए तो मेरे से संपर्क करें। मेरा नंबर स्क्रीन पे मिलेगा एंड डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिलेगा नंबर, कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप। एंड देन मैं गाइड करूँगा एंड फुल जो स्टडी मटेरियल, जो सेम क्वेश्चंस आते हैं जो एग्ज़ाम में, वो सेम क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करवा दूँगा और 100% वो अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। एंड जिस कंट्री में जाने का उनका ड्रीम्स है वो सक्सेस हो जाएगा, क्योंकि अगर वहाँ का जिस कंट्री में हमको जाना है, जैसे UAE में जाना है या फिर सऊदी जाना है या बहरीन जाना है या कुवैत जाना है, कतर जाना है, जो भी कंट्री में जाना है, गल्फ कंट्रीज़ में ओनली, वहाँ पे जाने के लिए जो लाइसेंस एग्ज़ाम होता है वो मैं क्लियर करवा देता हूँ। क्योंकि जो जेन्युइन क्वेश्चंस होते हैं जो एग्ज़ाम में आएंगे, वो सेम क्वेश्चंस, सेम स्टडी मटेरियल मेरे पास अभी अवेलेबल है। और इनके लिए क्या चाहिए, पहले एग्ज़ाम बुक करना होता है। हर एक कंट्री का अलग अलग रूल होता है। अभी DHA का मैं बता रहा हूँ कि DHA में पहले हम एग्ज़ाम बुक करते हैं, देन उनको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं, देन 15 से 20 दिन का टाइम देते हैं स्टडी मटेरियल का पढ़ने के लिए। और वो जो क्वेश्चन देते हैं वो सेम क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे, कोई चेंजेस नहीं रहेगा। सो उसके बाद में वो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद में उनका डाटा फ्लो होगा, जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है वो होगा, देन एलिजिबल लेटर जनरेट करेंगे। जैसे एलिजिबल लेटर मिल जाता है तो एलिजिबल लेटर प्लस CV के साथ में हम कहीं पे भी अपना जॉब सर्च कर सकते हैं। ऑल ओवर DHA के अंडर में जितनी जो फैसिलिटीज है उनके अंदर, जैसे हॉस्पिटल्स है या क्लिनिक्स है, मेडिकल सेंटर्स है या होम केयर्स है, वहाँ पे हम जॉब सर्च कर सकते हैं। अगर एलिजिबल लाइसेंस है अपने पास, अगर एलिजिबल लेटर है तो हम इजीली जॉब मिल जाएगा। विदाउट एलिजिबल लेटर जॉब मिलना पॉसिबल नहीं है, और विद एलिजिबल लेटर इजीली मिल जाता है जॉब। अगर किसी फिजियोथेरेपिस्ट को अपना प्रोसेस करवाना हो तो मेरे से संपर्क करें, मैं उनको हेल्प करूँगा, उनका प्रोसेस करूँगा, टोटल 0 to 100 तक उनको लाइसेंस तक का प्रोसेस करके देता हूँ। और अगर किसी को करना हो तो मेरे से संपर्क करें। डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायरमेंट है वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि एज ए फिजियोथेरेपिस्ट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, वो टोटल उनके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि किसी को पता नहीं होता है, अप्लाई तो कर देते हैं, एग्ज़ाम पास कर लेता है फिजियोथेरेपिस्ट, फिर जब डाटा फ्लो करते हैं उस टाइम प्रॉब्लम आता है, दिक्कत आता है कि वो क्लियर नहीं होता है, डाटा फ्लो नेगेटिव हो जाता है उनका, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अपलोड नहीं करते हैं। कभी स्कैन का प्रॉब्लम आ जाता है कि प्रॉपर स्कैन नहीं करते, मोबाइल से फ़ोटो लेके उसमें अपलोड कर देते हैं तो वो भी उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। कभी कभी जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स लगा के डाटा फ्लो कर देते हैं, क्योंकि सब एजेंसी वाले हैं जो कि फेक डॉक्यूमेंट्स लगा के उनका डाटा फ्लो करके कैंडिडेट को दे देते हैं, आपका डाटा फ्लो कर दिया है, एग्ज़ाम आपका हो गया है, अभी नेक्स्ट प्रोसेस होगा लाइसेंस का, वो आपको बाद में मिल जाएगा, हम हमारा काम कर दिया है। तो ऐसे करके बहुत मेरे पास अभी रिसेंटली 2 दिन पहले मेरे को एक फिजियोथेरेपिस्ट का मैसेज आ रहा था, सर मेरा ऐसा हो गया है, मैं डाटा फ्लो नेगेटिव है, मैं एग्ज़ाम क्लियर किया है, बट मेरे को अभी वहाँ का एलिजिबल लेटर नहीं मिल रहा है, क्योंकि डाटा फ्लो कंप्लीट नहीं हुआ है तो एलिजिबल लेटर नहीं मिलेगा। तो इसलिए ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंट सब कंप्लीट होना चाहिए, एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद एलिजिबल लेटर मिलेगा, उसके साथ में हम कहीं पे भी जो DHA के अंडर में जितनी फैसिलिटीज़ हैं उनके अंडर हम अपना जॉब सर्च कर सकते हैं, जहाँ वैकेंसी होती है वहाँ आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। सो थैंक यू गाइज़।